बिहार से खबर है जहां के गया में एक बार फिर से सत्ता के हनक ने छात्र की जान ले ली। हत्या का आरोप जेडीयू के विधायक मनोहरमा देवी के बेटे पर है और अभी भी आरोपी रॉकी यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने रॉकी के पिता बिंदी यादव को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने विधायक के बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया है। घटना के वक्त विधायक का बॉडीगार्ड भी आरोपी रॉकी यादव के साथ ही था। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए नीतीश कुमार पर अटैक किया है। एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है। तो कब गिरफ्तार होगा मुख्य आरोपी, ये बड़ा सवाल बना हुआ है। हालांकि आज बीजेपी ने बंद, एनडीए ने बंद बुलाया है। और तो बिहार से पूरे गया की से खबर है जहां पर सत्ता के हनक ने एक बार छात्र की जान ले ली है। हत्या का आरोप जेडीयू के विधायक मनोरमा देवी के बेटे पर है और अभी भी जो आरोपी है मुख्य आरोपी रॉकी यादव पुलिस की गिरफ्त से बाहर है। हालांकि पुलिस ने रॉकी के पिता बिंदी यादव को गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस ने विधायक के बॉडीगार्ड को भी गिरफ्तार किया है। घटना के वक्त विधायक का बॉडीगार्ड भी आरोपी रॉकी यादव के साथ था। बीजेपी ने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाया है, नीतीश कुमार पर अटैक किया है। एनडीए ने आज बिहार बंद बुलाया है। तो जेडीयू विधायक के बेटे पर आरोप है और जेडीयू विधायक का बेटा ही अभी फरार है जिसे अभी तक पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है। हालांकि विधायक के जो रॉकी यादव के साथ बॉडीगार्ड भी था साथ में, इसलिए बॉडीगार्ड को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार है। और लगातार अब विपक्ष इस पर हमला कर रहा है। जिस तरीके से कानून व्यवस्था ध्वस्त होती जा रही है, 11वीं के छात्र का मर्डर हुआ है और जो मर्डर किया है मुख्य आरोपी रॉकी यादव है, जेडीयू विधायक के बेटे हैं जिस पर आरोप है। अमित हमारे संवाददाता इस खबर पर सीधे जुड़ चुके हैं। अमित, कब तक ये मुख्य आरोपी पकड़ा जाएगा, कुछ जानकारी मिल पाई है? अजी देखिए, पुलिस प्रशासन की तरफ से टीम गठित कर दी गई है दीपाली, और ये कहा जा रहा है कि जल्द से जल्द गिरफ्तारी होगी। जो पुलिस सूत्र बता रहे हैं उसके हिसाब से जो मुख्य आरोपी रॉकी है वो दिल्ली में है और उसके आधार पर पुलिस की जो एक टीम है वो दिल्ली भी गई है। लेकिन सवाल यही है दीपाली, और लगातार ये सवाल खड़े इसलिए हो रहे हैं कि जब घटना के वक्त बॉडीगार्ड और रॉकी दोनों मौजूद था और बॉडीगार्ड की गिरफ्तारी कर ली गई, तो रॉकी आखिर कैसे फरार हो गया, ये एक बड़ा सवाल है। क्या इसे पुलिस की बड़ी चूक नहीं मानी जाएगी? और जो भी दीपाली इन दिनों देखा गया है कि बिहार में जितनी बड़ी घटनाएं हुई हैं उसमें जो अपराधी होते हैं मुख्य अपराधी होते हैं, गिरफ्तारियां होती हैं लेकिन वो मुख्य अपराधी की गिरफ्तारी नहीं होती है। या तो मुख्य अपराधी सरेंडर करता है या फिर वो अभी तक पुलिस की गिरफ्त से फरार है। चाहे जितनी भी बड़ी घटनाएं हुई हैं, यहां तक कि आपको याद होगा कि राजबल्लभ यादव जो आरजेडी के विधायक रेप मामले में भी थे, जब दबिश बढ़ाई गई तो उन्होंने सरेंडर किया कई हफ्तों के बाद, उनकी भी गिरफ्तारी नहीं हुई। तो ऐसे में सवाल है कि क्या बिहार की पुलिस जो है वो शराब तक ही सिमट गई है? क्योंकि हमने देखा है इन दिनों जब से शराबबंदी की घोषणा हुई है कई बोतलें बरामद की जाती हैं, गिरफ्तारियां होती हैं, लेकिन जो घटनाएं होती हैं आपराधिक घटनाएं होती हैं उसका मुख्य सरगना पुलिस की गिरफ्त से बाहर होता है। जब दबिश बढ़ाई जाती है तो उसके द्वारा सरेंडर किया जाता है। तो ये एक पुलिस प्रशासन पे सवाल खड़े हो रहे हैं इन दिनों बिहार। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, इसलिए सवाल खड़े होने लाजमी है क्योंकि बॉडीगार्ड गिरफ्तार हो जाता है, मुख्य आरोपी फरार हो जाता है और पुलिस की गिरफ्त से अभी तक दूर है। शुक्रिया अमित ये जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए।